हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 4th अक्टूबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 5G सर्विसेज ऑन 1st अक्टूबर 2022 इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को किस शहर में 5G सेवाओं की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G सेवाओं की शुरुआत की है, ऑप्शन ए नई दिल्ली से, ऑप्शन ए नई दिल्ली। और वहीं फिलहाल इस 5G सेवा को कुछ ही शहरों में लॉन्च किया गया है, लेकिन आने वाले 2 साल में जो 5G सर्विसेज है उसे पूरे भारत से कनेक्ट किया जाएगा। एट विच प्लेस अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कमीशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया? तो वो किया ऑप्शन ए राजस्थान का जैसलमेर, ऑप्शन ए जैसलमेर। तो अदानी का ये ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का लार्जेस्ट विंड और सोलर पावर प्लांट को सेटअप किया राजस्थान के जैसलमेर में। और वहीं इस विंड सोलर पावर प्लांट से 600 मेगावाट का जो बिजली का उत्पादन होगा वो सोलर से किया जाएगा। वहीं 150 मेगावाट का जो बिजली का उत्पादन होगा वो विंड पावर प्लांट से किया जाएगा। और इस पूरे पावर प्लांट का जो टोटल ऑपरेशनल जनरेशन कैपेसिटी है वो है 6.7 गीगावाट का। यूपी गवर्नमेंट गेव नॉट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन बुंदेलखंड रीजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पहले बाघ अभ्यारण को मंजूरी दी है? तो वो दी है ऑप्शन ए रानीपुर टाइगर रिजर्व को, ऑप्शन ए रानीपुर टाइगर रिजर्व। टाइगर के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने राज्य के पहले टाइगर रिजर्व खोलने की हरी झंडी दे दी है। इसके तहत यूपी का पहला टाइगर रिजर्व जो कि है रानीपुर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया जाएगा अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वहीं जो 2018 का जो सेंसस है टाइगर का, उसमें जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो है 2,967 टाइगर्स। वहीं पूरे देश में जिस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर है वो राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क विल बी डेवलप। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित होगा? तो वो होगा ऑप्शन डी हरियाणा में, ऑप्शन डी हरियाणा। तो हरियाणा डेवलप करेगा दुनिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क अरावली रेंज में। और ये जो सफारी पार्क होगा ये 10,000 एकड़ का होगा जो कवर करेगा गुरुग्राम और नौ डिस्ट्रिक्ट को। और वहीं जंगल सफारी पार्क को मैनेज करेगा अरावली फाउंडेशन। और वहीं फिलहाल बात करें जो दुनिया का लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी पार्क है अफ्रीका से बाहर, वो है शारजा सफारी पार्क यूएई का, जो फैला है 2000 एकड़ में। वहीं बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो वहां के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और वहीं गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय, बंदारू दत्तात्रेय। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है ऑप्शन डी 40, ऑप्शन डी 40। तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। वहीं जो भारत है वो पहली बार टॉप 40 में रैंक किया है इस इंडेक्स में। वहीं जो देश है जो इस इंडेक्स में टॉप किया है वो है स्विट्जरलैंड, जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 12 बार लगातार इस इंडेक्स में टॉप किया है। वहीं जो ये इंडेक्स है इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। Who has been named as the only Indian on Time Magazine's list of 100 emerging leaders? Time पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारत से जो टॉप 100 में आए हैं वो है ऑप्शन डी आकाश अंबानी, ऑप्शन डी आकाश अंबानी। तो इस टाइम मैगजीन के इमर्जिंग लीडर्स की सूची में आकाश अंबानी जो है वो टॉप 100 में आए हैं, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं। और वहीं आकाश 28 जून 2022 को बने रिलायंस जियो के नए चेयरमैन। वहीं बात करें टाइम मैगजीन की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और ये अपना पहला मैगजीन 3 मार्च 1923 को पब्लिश किया था। Which operation has been launched by the Central Bureau of Investigation
अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो शुरू किया गया ऑप्शन ए ऑपरेशन गरुदा, ऑपरेशन गरुदा। तो इस ऑपरेशन गरुदा में तीन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे, पहला तो CBI, दूसरा इंटरपोल और तीसरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस था कि जितने भी देश इंडियन ओशन रीजन के पास फंसे हुए हैं, उनमें जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा है उनको कैसे पकड़ा जाए और साथ में उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। पब्लिकेशन डिविजन हैज बैग्ड हाउ मेनी अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2022। प्रकाशन विभाग ने पुस्तक उत्पादन 2022 में उत्कृष्टता के लिए कितने पुरस्कार प्राप्त किए? तो जो पब्लिकेशन डिविजन है उसने 9 अवार्ड जीते, ऑप्शन सी 9 अवार्ड। वहीं इस अवार्ड को नई दिल्ली में दिया था और वहीं इस अवार्ड को प्रेजेंट किया था फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर। एक्चुअली में जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये हर साल अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है और इस बार जो पहला मंडे पड़ा था वो 3 अक्टूबर था, 3 अक्टूबर। और वहीं इस दिन की शुरुआत 1986 में की गई थी इन नैरोबी केनिया। वहीं जो इस साल का थीम है वो है माइंड द गैप लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, माइंड द गैप लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन डी 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को। तो आपको भी पता होगा कि जो 2 अक्टूबर है उस दिन है महात्मा गांधी जी का बर्थडे और इसी दिन हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। वहीं इस दिन की शुरुआत जो हुई थी वो 15 जून 2007 से हुई थी और इसे शुरू किया था यूनाइटेड नेशन ने। और वहीं बात करें महात्मा गांधी की तो उनका जो भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और भारत आने से पहले भी जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब से ही उनका जो आंदोलन था असमानता को लेके वो वहीं से चालू था। उसके बाद वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए और उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है जिस मूवमेंट में वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में है वहां पे उन्होंने सत्याग्रह किया था इंडिगो कल्टिवेटर के साथ मिलके। उसके बाद 1917-18 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह जो कि खेड़ा गांव में हुआ था जो है गुजरात राज्य में। वहीं उसके बाद 1919 में खिलाफत मूवमेंट, वहीं उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको शुरू करने का जो मेन रीजन था क्योंकि उससे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। उसके बाद इनका जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और इसी मूवमेंट के बीच में 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में गांधी जी ने डांडी मार्च किया और कहां से कहां तक, तो किया ये साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक जो कि है गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। वहीं इसके बाद जो इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जिसमें इन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि डू और डाई स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था। इन विच स्टेट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और वहीं हमारा डेली करंट अफेयर का जो लेक्चर का PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।